बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असद उल्लाह खान हूँ। आज पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। कल तक कहा जा रहा था कि पीडीएम का अहम तरीन सरबराही इजलास होगा और आज ये पीडीएम का कमज़ोर तरीन सरबराही इजलास साबित हुआ। खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तीन ऑप्शन रखे शहबाज शरीफ साहब के सामने, नून लीग के सामने, और शहबाज शरीफ और नून लीग एक ऑप्शन भी नहीं मानी। और मौलाना फजल रहमान साहब इतने बेबस थे कि उनको पुरानी तनख्वाह पर ही गुजारा करना पड़ा और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के तीनों ऑप्शंस शहबाज शरीफ साहब की तरफ से रिजेक्ट किए जाने के बावजूद उनकी बात मानते हुए आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कमज़ोर तरीन ऐलान किया। क्या ऑप्शंस रखे गए थे, खबर क्या है इसमें से? तीन ऑप्शंस जो रखे थे मौलाना फजल रहमान साहब ने वो कौन कौन से थे जो शहबाज शरीफ साहब के सामने रखे गए? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जनाब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब के सामने मौलाना फजल रहमान साहब ने यह तजवीज़ रखी कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएँ। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ये तजवीज़ रद्द कर दी। ना उन्होंने ये बात माननी थी, ना उन्होंने ये बात मानी, ना पहले माने थे, ना कल मानेंगे, ना 2023 के शुरू में जाकर मानेंगे। ये असम्बलियों ने वक्त पूरा करना है। शहबाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शंस नहीं चाहते, ना वो इस ऑप्शन की तरफ आएंगे। और उन्होंने एक मरतबा फिर सख्ती से मौलाना फजल रहमान की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि अगर आप इस्तीफे नहीं देना चाहते तो हम लॉन्ग मार्च करते हैं और इस्लामाबाद में जाके धरना दे देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑप्शन भी रद्द कर दिया, धरने का ऑप्शन रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जी धरना नहीं दे सकते, हम धरने के खिलाफ हैं। जमहूरी तरीके से हुकूमत को घर जाना चाहिए, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने धरना देने से इनकार कर दिया। और मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर कोशिश की कि जल्दी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए, चले कम अज कम लॉन्ग मार्च कर दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब इस पर भी नहीं माने कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च किया जाए। और तीसरा ऑप्शन उनके सामने रखा गया कि तहरीक दमादमाद लाने की कोशिश की जाए। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने हाफ हार्टेडली तजवीज़ रखी थी और खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको भी रद्द कर दिया। तो अब इसमें से निकला क्या है? इसमें से तीन महीने की छुट्टी निकली है। पीडीएम ने तीन महीने की छुट्टी ले ली, छुट्टी पर चले गए हैं। दिसंबर फारिग, जनवरी फारिग, फरवरी फारिग, मार्च की 23 को जाकर एक लॉन्ग मार्च होना है जो हुकूमत के खात्मे के लिए नहीं होगा बल्कि ये महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर महंगाई के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च करना है तो मार्च में जाकर क्यों करना है? ये तीन महीने की छुट्टी किसको चाहिए, किस लिए चाहिए? और क्या ये हतमी तारीख है 23 मार्च की? क्योंकि पहले भी तारीखें दी गई थी, पिछली मरतबा भी कहा गया था जनवरी में, पिछले साल जनवरी में कहा गया था कि मार्च में मार्च होगा। राना सनाउल्लाह साहब बार बार आके, उस वक्त तो नून लीग कहती रही कि मार्च में मार्च होगा और नहीं हुआ था। तो अब तो नून लीग नहीं कह रही अपने मुंह से कि मार्च में मार्च होगा। ये अगर ये महंगाई के खिलाफ मार्च हो भी जाता है तो इससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई असर पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है। तो जाहिर है अगर एक मार्च होता है और ख़त्म हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने शुरू में क्यों कहा कि ये कमज़ोर तरीन इजलास है? मैंने शुरू में इसलिए कहा कि इससे पहले जो इजलास होते रहे सरबराही इजलास, उसमें कम से कम 2-4-5 जलसों की बात होती है कि जी रावलपिंडी में जलसा करेंगे, जी मुल्तान में जलसा करेंगे, जी डेरा गाजी खान में करेंगे, डेरा इस्माइल खान में करेंगे, कराची में करेंगे, पेशावर में करेंगे। इनमें से 2-4 जलसे अनाउंस हो जाते हैं, कुछ रैलियाँ अनाउंस हो जाती हैं बड़ी धूमधाम से। जी रैलियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, 8 से रैलियाँ शुरू होंगी और वो रैलियाँ एक लॉन्ग मार्च पर जाकर ख़त्म होंगी और वो लाहौर का जलसा होगा, वो लाहौर का जलसा लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाएगा। यही दावे पिछले महीने तक या पिछले कुछ चंद दिन तक हो रहे थे। आज कमज़ोर तरीन इजलास में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो ये दावे हुए ही नहीं कि हम रैलियाँ करेंगे, हम जलसे करेंगे, हम एक तहरीक बनाएंगे। या तो चले मंतिक समझ आती है ना कि आप एक तहरीक का आगाज़ करते हैं, तहरीक बनाना शुरू करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, आप एक रैलियाँ करते हैं, आप जलसे करते हैं और फिर वो जलसे जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग मार्च में। तो चलें आपको तहरीक मुतहरिक करते हुए कारकुनों को 2 महीने लग जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसा भी कोई ऐलान नहीं किया और ऐसी कोई तारीख नहीं दी कि जलसे होंगे और जलसे जो हैं वो बाद में जाकर लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, आज उनकी बेरहमी के साथ तीनों ऑप्शन रद्द कर दी गई हैं नून लीग की तरफ से। और बजाय इसके कि मौलाना फजल रहमान जैसा सियासतदान ये कहता कि ठीक है अगर आपने मेरी एक भी तजवीज़ नहीं माननी तो फिर मैं इसकी सरबराही से दस्तबरदारी इख्तियार करता हूँ और मैं नहीं खेलता, मैं आपके साथ काम नहीं करता, मुझे आपने बड़ा मायूस किया है, मुझे आपने लारा लगा के रखा है, मुझे आप तो 2 महीने से लटका रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा और आके चुपचाप एक महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया है जो इस्लामाबाद जाएगा। अब यह मौलाना फजल रहमान साहब ने, अब इसमें देखिए कि क्या नहीं हुआ, यानी क्या फैसले नहीं हुए। देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो तीनों ऑप्शंस रखे गए थे वो जाहिर है उस पर इस्तीफे का फैसला नहीं हुआ।
धरना देने का फैसला नहीं हुआ, तहरीक आदम एतमाद लाने का फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या किया गया, इसकी हिकमत अमली क्या होगी लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए? मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि लॉन्ग मार्च यूँ होगा कि यहाँ पर पंजाब में पंजाब की सरबराही करेंगे शहबाज शरीफ साहब, एक इजलास बुलाएंगे पीडीएम पंजाब का और फिर वो तैयारी को हतमी शक्ल देंगे, और फिर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान यानी वो खुद करेंगे एक इजलास करेंगे और उसमें वो हतमी शक्ल देंगे। फिर बलोचिस्तान पूरा का पूरा छोड़ दिया गया महमूद अचकज़ई पर, और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उवैस शाह नौरानी पर छोड़ दिया गया पूरा सिंध, यानी उवैस शाह नौरानी साहब सिंध में इजलास बुलाएंगे पीडीएम का, और शाह अहमद नूरानी अवैस शाह नूरानी साहब जो हैं उनकी वो इसकी सरबराही करेंगे और एक लॉन्ग मार्च के लिए एक हिकमत अमली मुरतब करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि उवैस शाह नूरानी जो हैं उनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग उनकी बात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं? महमूद अचकज़ई क्या बलोचिस्तान पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं? मौलाना फजल रहमान कैसे पीडीएम बलोचिस्तान की जो है वो सरबराही करते हुए इजलास तलब करेंगे और बुलाएंगे और फिर उसको लेकर आएंगे? तो एक कमज़ोर तरीन इजलास था जिसमें मुझे लगता है कि अगले तीन महीने के लिए पीडीएम ने जान छुड़ाई है कि भाई मार्च से पहले हमें कुछ कोई ना पूछे। यानी एक दबाव भी तो था ना पीडीएम के ऊपर, क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, तब्दीली के दावे। बहुत सारे एंकर्स और सहाफ़ी हज़रात को भी हम देखते हैं कि वो भी नारे लगाते रहेंगे तब्दीली की हवा चल पड़ी जी, अब पीडीएम ने कमर बांध ली जी, अब तब्दीली आने वाली है जी, अब लॉन्ग मार्च होगा जी, हुकूमत को घर जाना होगा जी। तो वो सारे लोग जो सवाल करते रहते थे और वो ट्वीट्स कर करके अपने प्रोग्राम के जो शुरू के बारे में जो टीज़र छोड़ा करते थे कि जी आज पंजाब में तब्दीली का आगाज़ या पीडीएम या हुकूमत में तब्दीली का आगाज़ तो इस पर आज का प्रोग्राम होगा, तो वो सारे लोग जो सवाल किया करते थे तो पीडीएम एक मुश्किल में थी, उनको बताना पड़ता था कि अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पीडीएम ने तीन महीने की छुट्टी ले लिया कि भाई अब हमने हमसे जिसने पूछना ना मार्च में जाके पूछे, हाँ भाई मार्च हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर इसमें एक अजीब व गरीब बात है कि 23 मार्च का दिन जो है वो इस्लामाबाद पहुँचने के लिए मुकर्रर किया गया। अब 23 मार्च आप जानते हैं वो दिन होता है कि जिसमें इस्लामाबाद में एक परेड ग्राउंड एक जो है वो परेड ग्राउंड में एक परेड भी होती है, शरह दस्तूर पर होती है, बाज़ोकात जो है वो ग्राउंड में हो जाती है। तो एक परेड होती है जो दिफाए पाकिस्तान के हवाले से रिवायती तौर पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक परेड हो चुकी है, एक हैसियत इख्तियार कर गई है। तो 23 मार्च को ये महंगाई मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, यानी जब इस्लामाबाद पूरा सिक्योरिटी के हवाले से हाई अलर्ट होगा, जब एक परेड हो रही होगी, इधर से महंगाई मार्च जो है वो इस्लामाबाद जाकर पड़ाव डाल रहा होगा या पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे होंगे प्लान के मुताबिक या मौलाना फजल रहमान साहब के मुताबिक। अब इसमें क्या हिकमत है, यानी ऐसे में या तो इनको यकीन है कि ये मार्च हमने नहीं करना, या फिर इनको यकीन है कि वो जो परेड होती है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती या वो उसे उस वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। महंगाई मार्च 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचे पूरी, यानी जिस तरह से कहा गया बलोचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से काफिले चलेंगे और वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद, या तो वो पहुंचेगी इस्लामाबाद और ये मार्च काफिले पहुंचेंगे या फिर परेड होगी, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। जाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक कंसर्न पैदा हो जाएगा, परेड में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, तो परेड में जो है वो परेड का होना और ये दोनों चीज़ों का एक ही तारीख को एक ही वक्त में होना ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। तो इस पर एतमाद करना अभी मुश्किल है, अभी आप एतमाद से नहीं कह सकते कि वाकई 23 मार्च को ये मार्च होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई तारीखें दी गई और फिर उन तारीखों पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब फिर 23 मार्च कह दिया गया है, तो अगर ये होगा तो ये इस तरह का मार्च होगा कि चंद लोग जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के फॉलोअर्स या पिंडी से कुछ दस्ते, यानी पूरे पंजाब से नहीं, पिंडी से कुछ नून लीग की रैलियां एक दो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी, वहां जाके एक जलसा होगा, खिताब होगा और ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस धीमे और जिस ठंडे अंदाज में आज के इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया गया प्रोग्राम का, और फिर आप देखते हैं कि कितनी इसको कवरेज मिली है, 8 बजे के शोज़ में, 10 बजे के शोज़ में कितनी कवरेज मिली है, तनकीदी हुई है पीडीएम पर अगर हुई है कि आपने जी इतना अरसे से शोर मचाया हुआ था तय क्या किया, लेकिन किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया। तो इससे खुद ये एक टेस्ट है कि पीडीएम ने अपनी इस मीटिंग में क्या निकाला है। तो निकला कुछ भी नहीं है, वो जो हुकूमत के खात्मे का लॉन्ग मार्च था वो अब महंगाई के खात्मे के लॉन्ग मार्च में तब्दील हो गया है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है और लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, वो एक शॉर्ट मार्च होगा अगर हुआ तो। अब ज़्यादा इम्कान वैसे यही है कि शायद ये ना ही हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।